बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मलिक आरिफ आपसे मुखातिब हूँ। मेरा आज का मौजू मौजूदा हालात में मार्केटिंग से मुतालिक है, यानी मार्केटिंग करवाने वालों के नाम। अगर आप अपनी किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं या किसी से मार्केटिंग करवाते हैं तो एक बात जहन में बिठा लें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद लोगों की तरजीहात बदल चुकी हैं और वह अब ज़मीन पर पड़े या डाक से आए हुए किसी भी ना जानने वाले ज़राए या नॉन सोर्स से मौसूल शुदा किसी भी कागज़ को हाथ लगाने से डरेंगे। लिहाजा आपको आने वाले कुछ महीनों के लिए कागजी मार्केटिंग या पेपर मार्केटिंग से दूर रहना होगा और मुतबादल ज़राए जो कि आपके बिज़नेस के बजट से मुताबिकत रखते हैं, जैसे टीवी या केबल पर ऐड या बिलबोर्ड और साइन बोर्ड या ट्रक और दूसरी व्हीकल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग पर तमाम बजट लगाना होगा। और अहम बात यह है कि आपको अच्छा लगे या बुरा, मगर मार्केटिंग बजट को बढ़ाना होगा, क्योंकि इस बार चंद बिजनेसेस जैसे होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस को डाइन इन का बिज़नेस नहीं मिलने वाला और इनको पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ डिलीवरीज पर लगाना होगा। मतलब 20 से 25% बिज़नेस तो ऑलरेडी गया, बाकी लोगों के घरों तक पहुंचने वाला काम यानी फूड डिलीवरी ही रह जाता है। तो इसके लिए आपकी मार्केटिंग कंपनी को पहले से दुगना या 3 गुना बजट लगाना पड़ेगा, नहीं तो कामयाबी के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया।